किशोर, खरंच म्हणजे हे जे म्हटलं याच्या शिफ्टीमध्ये लॉकिंग सिस्टीम आहे हो, ते आधीच अजूनही चालू आहे. एखादा करून दाखवणं जसं हे सांगितलं छोट्या कुटुंबाचं सेम आहे, सेम आहे. अच्छा, ती सिस्टीम आहे. आणि अरे बाबरे, ये सब देख कर तो मार दादी की याद आती है कि हम कौन से युग में पहुंच जाते हैं. कि हमने देखा कि हमारी माँ और हमारी दादी बैठ के इन जितने सामानों का उपयोग उन्होंने किया है, और ये हमारे प्राचीन घरों की धरोहर होती थी. अब शायद लुप्त होते जा रही है. अब तो शायद इसको देखिए भारों भार में लोग स्टील के बर्तन खरीद लेते हैं. पर अभी जैसा ये देखे होंगे आप, तो हर इसको कछुआ है. यानी वो पीरियड में भी अभी अभी वगैरह में तुम्हारे टॉर्चलाइट को महत्व आया हुआ है. पर अपने किचनों में तो कई सालों पहले से. किशोर भाव, मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में जो विद टेक्निक विद सम कल्चर है, हमारे हिंदुस्तान की जो संस्कृति है ना, वो इतनी ग्रेट थी कि लोगों ने उसको एडॉप्ट किया और हम अपने कल्चर को भूल गए. आज कछुआ आप जाएंगे, आपको मंदिर में कछुआ मिलेगा, टॉर्चलाइट मिलेगा तो है. लेकिन ये ताले का देखो ना, कितने ताले. अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, तो ये ताले देखे भी नहीं किसी ने, हमारी पीढ़ी ने तो देखे नहीं. नहीं नहीं नहीं, अब आने वाली पीढ़ी ने क्या देखेंगे मालूम नहीं. देखना चाहिए और इसको छू के अपने पुरानी विरासत का अनुभव करना चाहिए. लोग ताले बनाते थे, लेकिन वो तालों की खासियत क्या, खासियत क्या थी. अब तो मशीन में एक ताले है, तो हैंडमेड ताले हैं. और आज भी वो ताले वर्किंग कंडीशन में आप उसको छू के उसको देख सकते हो. देख सकते हो. और जैसा किशोर ने बताया, बोल के भी बताया है ना. और खास करके ये जो पुरानी है, ये काय म्हणतो त्याला, पावशा. ये अलग अलग शेप में है पावशी. ये पावशी बहुत ही ट्राइबल टाइप की है, बहुत ही खूबसूरत है. अरे बाप रे, ये भी पावशी है. ये ऑपरेट होती है अलग बार, यहाँ अलग अलग ढंग से ऑपरेट करते हैं. काट से भी काट से काट सकते हैं. हाँ, नीचे से हम लोग चॉपिंग कर सकते हैं उसको. हो, 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 ऐसी एक्ट होती है, अप डाउन अप डाउन. अच्छा, ऐसे ऐसे खींचना उसको. जी हाँ, ऐसा करो. हाँ हाँ. और ये सब खोबरा किशनी जिसको बोलते हैं, हे मराठे कर्नाटकचे असली पाहिजे. ये अपने यहाँ पे भी पांच आइटम आप कर सकते हैं. इसमें चीज है, वीणी है जिसमें सब्जी काट सकते हैं. हाँ, और सामने में दिया है वो है अपन खोबरा, मोटा खोबरा पीस सकते हैं. ये वाला, ये इधर ये बारीक खोबरा, बारीक खोबरा करने का. और ये प्लेट, हाँ ये प्लेट निकाले तो आप पीस सकते हैं खोबरा. अच्छा, और अंदर में और एक प्लेट है जिसमें आप टू यानी दो प्रकार के आप लोग बटाटा चिप्स कर सकते हैं. अरे बाप रे, यानी एक बार बैठ गई गृहिणी, ये तो सब प्रकार बना बुना के तैयार हो सकता है. पीतल का मटेरियल है इसका, पीतल के ही बने हुए. और ये तो अपना ट्रेडिशन नहीं है एक्चुअली. पाइप्स हैं ये. लेकिन ये पाइप देख के हमेशा देवानंद साहब की याद आ जाती है. सिगार लेते समय मैं धुएं में उड़ाता चला गया, उनका जो गाना बहुत फेमस हुआ वो, मुझे लगता है कि ये धुएं में उड़ाता चला गया. तो इनको देख के तो खैर ये हमारे कल्चर का एक पार्ट है, भले ये हमारे हिंदुस्तान का कल्चर नहीं है. नहीं नहीं, लेकिन फिर भी अशोक भाई, ये जो पाइप है इसको मुंह में रख के धुआं निकालने के लिए वो टाइप की पर्सनैलिटी चाहिए. आज यदि मैं चाहूँ की मैं उसको धुआं निकालू, वो उसका उसकी इज्जत जाएगी. अच्छा, तो उस स्पिरिट में ये अपने मित्र बैठे हुए हैं यहाँ पीछे में अपने. हाँ, इनके लिए ठीक है, कट्टा कट्टा चले हैं, हाइट है, तो उसको शोभा देती है. बिल्कुल, पाइप मुंह में पाइप रखने वाला भी उतना स्टेटस सिंबल था उस स्पिरिट का. और अपने पुराने जैसा आप अभी बोले राजकुमार साहब, केन सिंह तो सबसे बेहतरीन. हमेशा उनके हाथ में जब भी फिल्मों में एंट्री होती थी उनके हाथ में एक वो चिरूटी होता था. अशोक कुमार जी, अशोक कुमार. और उसके एक्टर वो करने के बाद ये एक्टर देखो, करेक्ट. ये सब प्रकार के एक्टर, इतने सुंदर सिगार, उतने ही सुंदर इसके एस्ट्रे. और खास करके वो जूते ही बताए हैं एक्टर, यानी वो पैर के पास डालना है ना जी. अलग अलग किस्म के, अलग अलग किस्म के हैं. और ये जो पाइप जो है वो अपने अपनी ट्रेडिशन है ना, हर पाइप अलग अलग देशों का है. अच्छा, ये अलग अलग देशों से, देशों की पाइप, अपने हिंदुस्तान की पाइप नहीं है. हिंदुस्तान की पाइप नहीं, सब अलग अलग, क्योंकि शेप सबके अलग अलग बने हुए, तो इसलिए वो वहाँ के कल्चर से रिलेटेड हो सकते हैं. बिल्कुल, अति सुंदर. किशोर भाई, क्या है? एक्चुअली लाइटर है. लाइटर? अरे पेट्रोल लाइटर है, पेट्रोल लाइटर है. अच्छा, उसमें पहले मान लो आपको लाइटर आता था तो इसमें पेट्रोल डालते थे, इसमें अंदर में एक कपास होता था, पेट्रोल डालने का. और इसको
वो चकमक जैसी फ्लिंग जैसा उस दिन अपन ने साफ तो यहाँ पे आते थे वो स्पार्क होता था, स्पार्क आता था उससे, तो बाद में लाइटर सिगरेट और इसके बाद में फिर वो गैस लाइटर आया, पहले ने तो इतनी चलती थी और उसके लिए लिक्विड गैस रहता था उसमें, लिक्विड गैस रहता था ऐसा लाइटर, ये भी इम्पोर्टेड है प्रत्येक घड़ाला किल्ली लागते, तो ह्या घड़ाला मुझे ऐसा लगता है कि सामूहिक जब स्मोकिंग करते थे तभी वो इतने सारे सिगरेट रखते थे, सिगरेट यस दिस इज स्लॉट फॉर द सिगरेट, यानी एक आदमी का नहीं है, एक आदमी का नहीं है, एक ग्रुप में अगर हम बैठे और स्मोक कर रहे हैं सबको अपने सिगरेट होल्डर बोलते उसको, नहीं अद्भुत, ये तो है ना एक नई चीज है हम लोगों के लिए कि बहुत ही बढ़िया सामूहिक बैठ के स्मोकिंग होती थी ऐसा सुनते थे हम लोग, लेकिन एस्ट्रे इतनी बड़ी एस्ट्रे कि सब लोग इकट्ठा विथ लाइटर, सिगरेट जलाने की लाइटर की इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, आप वही जलाइए और वही अपना एस्ट्रे लीजिए, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बहुत नई नई चीजें एकदम जो कभी देखे भी नहीं अपन ने, पर ये तो है ही, क्या पिक्चर में देखे थे अपन ने, हाँ और नहीं अलग अलग कंट्री का ये विशेष है क्योंकि इसमें सबके शेप अलग अलग है इसमें शेरलॉक होम्स अलग अलग कंट्री जमा किया है शेरलॉक होम्स, वाह वो भी एक्चुअली क्या है मेरे को एक ही आदमी से 30 किशोर भाव के म्यूजियम में मेरे को एक थीम बहुत अच्छी लगी कि हम अगर हिंदी में अगर सुन लो तो विरासत से साक्षात्कार, साक्षात्कार हाँ, विरासत को आप आइए उसको टच कीजिए उसको छुए और उसका पूरा आनंद लीजिए, तो ये तो अक्सर कहीं म्यूजियम में आपको मिलेगा नहीं, सिवाय क्योंकि आजकल म्यूजियम में किसी सामान को हाथ लगाने देते नहीं देते, और किशोर दादा अपने सामानों को हाथ लगा के डायरेक्ट फील है, आप फोटोग्राफी कर सकते हो फोटो निकाल सकते हो बिल्कुल, फोटो भी नहीं निकालने देते आजकल तो कोई नहीं निकालने देते, बताया वो ताले का तो बहुत अच्छा लगा, डायरेक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन दिया उन्होंने, डिमॉन्स्ट्रेशन भी दिया और लोग बच्चे लोग अगर देखेंगे ना उनको आनंद मिलेगा उसका, उसका आनंद ही मिलता ना उनको, नहीं तो कौन हाथ लगाने देगा उनको, अब इस प्रकार के ताले रहते हैं ये बच्चों को कौन बताएगा, तो इसके लिए बहुत ही सुंदर कलेक्शन है ये, वाह